Students, this is your English reader book, and in today's class we will read the rest part of chapter number 13, Raja Suran's expedition to China. ठीक है, हमने इसका पेज नंबर 86, 87, 88 एंड 89 ऑलरेडी रीड कर रखा है. हमने 90 और 91 रीड करना है. तो हमने यहाँ तक ये रीड कर लिया था कि जो वहाँ का जो मिनिस्टर होता है, मैं आपको थोड़ा सा रिमेम्बर कराने के लिए यहाँ पे रीड कर रही हूँ. ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं. देन ही डिड समथिंग वेरी पैकुलर, मतलब कि बहुत ही ऐसा लग रहा था कि मतलब कि मजाकिया सा लग रहा था कि मतलब ये जो कर रहा था सब कुछ ओल्ड ही ले रहे थे. ओल्ड ही लिया उसने, ओल्डेस्ट शिप लिया और सेल मतलब कि जो शिप मंगाया वो भी बहुत ही पुराना मंगाया, जो कि उसकी एज मतलब कि उस बहुत ही ज़्यादा उसकी जर्जर हालत हो रखी थी. और उसने यंग सेलर को नहीं सिलेक्ट किया, ओल्ड को किया. और जो बहुत ही हार्डली मतलब कि वॉक कर पा रहे थे, तो उस मतलब कि ऐसा लग रहा, कुछ लोग तो सोच रहे थे कि शायद ये पागल हो गया है, मूर्ख हो गया है जो ऐसी चीज ऐसा डिसीजन ले रहा है. और उसने बड़े बड़े फ्रूट्स को खुदवाया और उसमें अपनी शिप में रखवाया और प्लांटेड इन पॉट्स, और उसको जो उखड़वा के उसको एक पॉट में प्लांट करवाया और जिसे शिप में लेके जाना था. लास्टली ही ऑर्डर हिज मैन टू गो एंड गेट द ओल्डेस्ट लुकिंग सीइंग नीडल्स, और जो बहुत पुरानी दिखने में नीडल्स दिखाई देती थी सीने वाली, उसको मंगाया. फुल ऑफ रस्ट, जिसमें बहुत ही रस्ट लगा हुआ था, यानी जंग लगे हुए थे. टू बी फिल्ड इन अ शैक, मतलब बोरों में भरा. एंड पुट ऑन द शिप, और उसको शिप में रखा. हैज ही गॉन मैड, क्या ये पागल हो गया है. एवरी वन आस्क, सभी ने कहा. एन ओल्ड शिप विद ओल्ड सेलर, मतलब कि ओल्ड शिप में ओल्ड सेलर्स को लेके जा रहा है, ओल्ड फ्रूट्स लेके जा रहा है, रस्टी नीडल्स लेके जा रहा है ये. हाउ इज ऑल दिस गोइंग टू सेव फ्रॉम राजा सुरन सूरन्स, यानी मतलब कि राजा सूरन से ये किस तरह से हमें बचाएंगी. बट द एम्परर एंड चीफ, जो एम्परर और चीफ थे, मिनिस्टर जस्ट स्माइल, और वो स्माइल कर रहे थे एट वॉट दे हर्ड, और जो भी उन्होंने मतलब सुना वो स्माइल कर रहे थे. ठीक है, तो अ फ्यू, अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे, आप सबने ध्यान देना है. ठीक है, अ फ्यू वीक्स लेटर, कुछ दिनों बाद द शिप अराइव द तमस्क, और तमस्क के पास शिप पहुंच गया. राजा सूरन एंड हिज मैन वर वेरी वर स्टिल देयर, राजा सूरन और उसके आदमी वहां पे थे. स्टिल ट्राइंग टू फाइंड वेयर दिस चाइना वॉर, और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि चाइना कहाँ पर था. एवरी वन स्टार्टेड लाफिंग वेन दे सा दिस ओल्ड शिप विद ह्यूज फ्रूट ट्रीज एंड क्रू ऑफ ओल्ड ग्रैंड फादर्स, और वो इसलिए हंसे कि मतलब ये एक पुराना शिप है, बहुत बड़े बड़े फ्रूट्स ट्री हैं, और वो क्रू मेंबर जो शिप में जो लोग होते हैं उनको क्रू मेंबर कहा जाता है. तो वहाँ का जो क्रू थे वो ओल्ड ग्रैंडफादर की एज के थे. वेयर हैव यू कम फ्रॉम, तुम कहाँ से आए हो. द राजा आस्क्ड लुकिंग एट द शिप, और राजा ने शिप को देखते हुए कहा. व्हाट कंट्री इज इट दैट हैज सच ओल्ड सेलर्स, किस कंट्री के ये ओल्ड सेलर्स हैं. ही आस्क हैविंग अ हर्टी लाफ, मतलब कि उसने मतलब इसको मतलब एक होता है ना कि हम इस तरह से कहते हुए और फिर हंसने मजाक उड़ाते हुए बोला. ही स्टॉप्ड लाफिंग द मोमेंट ही हर्ड द ओल्डेस्ट सेलर स्पीक अप. ही स्टॉप लाफिंग, मतलब उसने हंसी को रोका कुछ क्षण के लिए, और जो ओल्डेस्ट सेलर था जो कुछ कहना चाहता था उसको सुना. वी हैव कम ऑल द वे फ्रॉम चाइना, हम सब चाइना के रास्ते से आ रहे हैं. वेन वी सेट आउट वी वर ऑल यंग मैन, जब हम निकले थे तो हम सब यंग मैन थे, यानी जवान थे. वी वर कैरिंग सेक्स ऑफ फ्रूट्स ट्री सीड्स, हमने बड़े बड़े मतलब बोरों में फ्रूट्स के सीड्स लिए थे. एंड हैवी आयरन बार्स, हमने बड़ी बड़ी आयरन बार्स ले रखी थी. बट इट टुक्स अस सो मैनी ईयर्स टू सर्च हेयर दैट वी हैव ग्रोन ओल्ड, मतलब कि हमें बहुत सालों तक पता लगाते लगाते हम बूढ़े हो गए. एंड सीड्स हैव बिकम ह्यूज फ्रूट ट्री, यानी जो सीड बीज थे वो बहुत बड़े
फलों के पेड़ बन गए एंड द लार्ज आयरन बार्स हैव रस्टेड अवे टू द साइज ऑफ नीडल. जो लार्ज आयरन बार थी वो गल के उसको रस्ट हो करके नीडल्स में बदल गई, उनका नीडल साइज हो गया. ही ओपन वन शेक्स ऑफ नीडल्स टू शो द राजा, उसने एक शेक को खोला, बोरे को खोला और जो राजा को दिखाया. हु वॉज स्टार्टिंग एट द सेलर, जब हु वॉज स्टार्टिंग एट द सेलर मतलब कि जब हमने तैयारी की थी तो वो दूसरी तरीके की थी, लेकिन यात्रा करते करते हम ये क्या कहते हैं, इनका जो जो रूप है वो चेंज हो गया, यानी सीड्स विक्ट्री हो गए, यंग मैन जो थे वो ओल्ड पीपल हो गए. द राजा सूरंस लुक डाउन एंड शाय इनफ, इफ चाइना इज सो फार अवे देन आई टू विल बिकम एन ओल्ड मैन बाय द टाइम आई रीच देयर. तो राजा सूरन ने देखा और फिर सोचा कि अगर ये चाइना इतना दूर है तो मैं वहां तक जाते जाते मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा. पैकअप मतलब कि उसकी तैयारी करना, मतलब कि सब चीज जैसे होता है ना कि बांध लेना. पैकअप एवरीवन, सभी को ऑर्डर दिया कि पैकअप करो, वी आर गोइंग बैक टू इंडिया, हम इंडिया वापस जा रहे हैं. एंड सो द ह्यूज आर्मी द एलिफेंट्स द हॉर्सेस ड्रमर्स कुक्स एंड स्लेव्स अलॉन्ग विद द माइटी राजा सूरन टर्न अराउंड एंड मार्च बैक होम एंड चाइना वॉज सेव्ड. मतलब कि जो उनकी इतनी बड़ी सेना थी, एलिफेंट्स हॉर्सेस ड्रमर्स थे कुक्स थे, उन्होंने सब ने क्या कहते हैं, सबको लेकर के राजा सूरन इंडिया की तरफ वापस आ गया और इस तरह से चाइना सेव हो गया. तो स्टूडेंट्स ये आपकी स्टोरी कंप्लीट हो गई है. यहाँ पे आपका न्यू वर्ड्स यानी वर्ड मीनिंग्स है, इसको हम रीड कर लेते हैं. डाउन द टाइम ऑफ द डे व्हेन लाइट फर्स्ट अपीयर. डाउन जो है एक तो होता है नीचे, तो उसकी स्पेलिंग थोड़ा सा डी, यहाँ पे थोड़ा सा डी ओ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए स्पेलिंग को ध्यान रखना. डाउन होते है ये समय जिसमें जो सुबह का समय यानी रोशनी, जब रात का समय बीत रहा होता है और उजाला शुरुआत होती है तो उसे हम बोलते हैं डाउन. एक्सक्यूज मीन्स होता है माफ करना, फॉरगिव. फ्लीट मीन्स होता है झुंड. अ कलेक्शन ऑफ शिप्स. हार्बर एरिया ऑफ वाटर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सी बाय लैंड और वॉल्स. तो हार्बर कहते हैं पानी, एरिया ऑफ वाटर मतलब कि जो पानी का एरिया होता है, जैसे ओशन पार्ट होता है तो वहां पानी बहुत होता है, तो उसी के साथ जो लैंड होता है उसको हम हार्बर बोलते हैं. पैकुलर ऑड या फनी मजाकिया. ऑड मतलब कि अच्छा नहीं लगना. पावर माइट, पावर मीन्स होता है शक्ति, फोर्स, कंट्रोल ओवर अ प्लेस मतलब कि कंट्रोल करना, अपने पावर को बढ़ाना. टैक्सेस मनी पेड टू द गवर्नमेंट, जैसे टैक्स जो चीज हम कमाई करते हैं तो उसका कुछ पार्ट हमें टैक्स के रूप में देना पड़ता है. वास्ट वेरी लार्ज या ह्यूज मतलब कि बहुत बड़ा. वॉर्न आउट बिकम वेरी ओल्ड एंड फेडेड यानी बूढ़े हो जाना या फेडेड हो जाना, मतलब जब वो उसका जो कलर है वो डल हो जाए. तो ये स्टूडेंट्स आपका ये हो गया, रीडिंग पार्ट कंप्लीट हो गया. आगे फिर बैक एक्सरसाइज आ जाता है तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे. वर्ड मीनिंग आपने नोटबुक में करनी है और साथ में लर्न भी करनी है. ओके, थैंक यू.